वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट हिल। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट 30 तारीख को आने वाले थे, बट एक अपडेट आई है उस रिजल्ट के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रही वो आपको पता चलेगा, एज वेल एज आगे क्या लेवल देखने मिलेंगे स्टॉक में, हमें वो भी बात करने वाले हैं। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इसका सर्किट फिल्टर 10% का है और ये किसी भी सर्वेलेंस में नहीं है। यहाँ पर Q4 के रिजल्ट के बारे में अपडेट काफी बड़ा आया है। 30 तारीख को जैसा कि पता होगा कि रिजल्ट आने वाला था Q4 का, लेकिन अब ये डेट बदल के कर दी गई है 6 तारीख। अब 6 जून 2022 को आपको ये रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिलेगा, तो जरूर फोकस करिएगा नेक्स्ट मंडे को, देखते हैं कि मार्केट में क्या ये स्टॉक में आगे लेवल देखने को मिलते हैं आफ्टर रिजल्ट। आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे, 11.90 रुपए का एक लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे स्टॉक क्लोज होता है, तो इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और ये 8 रुपए के लेवल तक आ सकता है। बट अगर ये 11.90 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तो काफी ज्यादा चांसेस है स्टॉक के अपसाइड रैली दिखाने की, क्योंकि 11.90 रुपए काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे 2 से 3 बार स्टॉक ने सहारा लिया है, लेकिन तीसरी बार यहाँ पे लग रहा है कि ये ब्रेक कर सकता है। तो जरूर फोकस रखिएगा Q4 के रिजल्ट पे जो कि 6 तारीख को आने वाला है। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो स्टॉक ऊपर की साइड भी रैली दिखा सकता है। अकॉर्डिंग टू RSI इंडेक्स देखें तो इसका RSI इंडेक्स 36.69 चल रहा है, यानी ओवरसोल्ड ये स्टॉक हो चुका है, तो अपसाइड की रैली देखने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने एनालिसिस जरूर करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले एनालिसिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। बात करें अभी तक कितना यहाँ पे वॉल्यूम आया है, तो 5,78,000 का वॉल्यूम आया है, जिसमें से 3,38,000 की डिलीवरी उठाई गई है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 58.58%। ये देखते हैं कि जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 पे, तब कितने यहाँ पे डिलीवरी उठाई जाती है और कितना यहाँ पे वॉल्यूम आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।